आखिर नमकीन किंग के दिमाग में चल क्या रहा है? दाजी। सुमन जी, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। पापा अभी तक रूम से बाहर निकले नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ अंदर बैठ के वो कोई सॉलिड प्लान कर रहे हैं। नहीं, सच में वो कहते हैं ना कि तूफान से पहले का साइलेंस, बिल्कुल वैसा टाइप का। देखिए, जिस हिसाब से कल गुस्सा थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तक हम दोनों को तेल में तल दिया होता उन्होंने। कुछ तो है जो सोच रहे हैं वो। मुझे टेंशन हो रही है यार। या तो नेता जी, ऐसा हो सकता है कि जैसा हम सोच रहे वैसा कुछ है नहीं। शायद उनको सच्ची में गुस्सा नहीं आया, शायद उनको सच्ची में मेरी चाट पसंद आई। ये जो कचरा आंटी बड़बड़ कर रही है ना, वैसा हो ही नहीं सकता। नमकीन किंग अपनी इज्जत के लिए जान दे भी सकते हैं, और अगर लेनी पड़ी तो जान ले भी सकते हैं। इस कचरा आंटी ने तो बीत सराफा नमकीन किंग की इज्जत उछाली है। दीदी, आप ही तो कह रही थी कि वहाँ बहुत वाहवाही हो रही थी, कि कितना अच्छा ससुराल मिला है। कट्टू उसे वाहवाही नहीं कहता, उसे मुंह में मीठा और बगल में छुरा कहते हैं। ये जो सारी अच्छी अच्छी बातें थी, उसका एक्चुअल मतलब पता है क्या था? सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। चंद्रकांत के सामने आ जाएगा भाई एक अलग ही धमाका, ऐसी चीज पता लगने वाली है उनको कि भाई उनके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही वो सराफा बाजार में आएंगे तो देखेंगे यहाँ भाई तीर्थ और सुमन खड़े हुए हैं अपनी चाट की दुकान पे। मतलब ये कैसे हो गया? अभी तक तो भाई सुमन को उन्होंने समझाया भी था कि कुछ भी ऐसा मत करना कि जिसपे हमारी इज्जत पर बात आए, और यहाँ पर कुछ देर बाद ही ये लोग तो भाई झूठ बोलकर आ जाते हैं सराफा बाजार में, वो भी चाट बेचने के लिए। ये सारा काम तो भाई देविका का होता है। देविका ने किस तरीके से यहाँ पर पागल बना के वो चंद्रकांत को लेके तो आ जाती है, लेकिन चंद्रकांत को ये नहीं पता होता है कि भाई ये कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे चंद्रकांत की एंट्री होती है, वैसे जितने सारे लोग होते हैं ना आसपास, वो बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगते हैं, कुछ कुछ ना अलग अलग बोलने लगते हैं। यहाँ तक ये बोल देते हैं कि भाई इतने बड़े घर की बहू जो है वो इतनी छोटी सी जगह चाट बेच रही है। और ये सारी चीजें सुनकर ना भाई उनके तो एकदम से पारा हाई हो जाता है, बहुत गुस्सा होने लगता है। और तीर्थ को तो कहीं ना कहीं समझ में आई जाता है। पहले तो जैसे वो दोनों को देखते हैं यहाँ पर हाथ वाथ जोड़ने लगते हैं, लेकिन सुमन को समझ में नहीं आता कि अभी तक भाई उनको यहाँ पर लेके कौन आया। और जब वो देखती देविका लेकर आई है तो उसको समझ में आ जाता है कि भाई ये पूरा प्लान देविका का है। और यहाँ पर जैसे वो देखते हैं कि भाई चंद्रकांत तो उनके सामने खड़े हो गए हैं, तो एकदम से सुमन चाट वाट बनाना शुरू कर देती है और उनको चाट खिलाना शुरू कर देती है। और जिसके बाद भाई चंद्रकांत का और ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रकांत जैसी चाट खाते तो तीखी होती है चाट, और यहाँ पर उनको लग जाती है मिर्च और वो हो जाते हैं गुस्सा। तो देखते आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, जब घर पहुंचेंगे तीर्थ और सुमन तब उनके साथ क्या कुछ होगा।